अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में सीबीआई की तरफ से है, जहां से सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई की जांच इस मामले में जारी रहेगी और सीबीआई हर पहलू से, हर एंगल से इस मौत की जांच कर रही है। यानी कि हत्या का एंगल भी शामिल है, उसे खारिज नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, बहुत मुमकिन है जल्दी सुशांत के परिवार से भी इस मामले में सवाल जवाब हो। मुंबई में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को गलत दवाइयां देने का आरोप लगाया गया था। यह एफआईआर अब सीबीआई के पास है। रिया चक्रवर्ती की एफआईआर पर सीबीआई सुशांत सिंह की बहनों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह का कहना है कि सीबीआई ने अभी तक सुशांत की बहनों को बुलाया नहीं है, लेकिन अगर परिवार को सीबीआई बुलाती है तो वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ये बयान आज तक से बातचीत के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने दिया है। उनका कहना यह कि अगर परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, अगर सीबीआई चाहती है कि वो जांच के लिए उपस्थित हो, तो वो मदद में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। और हमारे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त आ गए हैं इसी मामले पर और जानकारी लेकर। बताइए संजय, क्या खबर आपके पास है? विकास सिंह का साफ कहना है कि इस मामले में चूंकि सबसे पहली एफआईआर केके सिंह की तरफ से पटना पुलिस के सामने दर्ज कराई गई थी, उसकी प्रतिक्रिया में रिया चक्रवर्ती ने भी एफआईआर मुंबई में दर्ज कराई। 40 दिनों तक बिना एफआईआर दर्ज करके जांच करने वाली मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। वो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को मिली है और विकास सिंह का ये कहना है कि चूंकि सीबीआई को अब एफआईआर मिली है तो जाहिर है उस पर कार्रवाई तो होगी ही। एफआईआर में जिन लोगों के नाम है उनसे पूछताछ भी होगी और ऐसे में सुशांत की बहनों और बाकी परिजनों का, मित्रों का नाम उस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती ने लिखाया है तो उनके पास समन भी आएगा और जब समन आएगा तो हमारे क्लाइंट सीबीआई की जांच में पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं। यानी जब भी समन आएगा, जहां उनको बुलाया जाएगा वहां वो जाएंगे, क्योंकि ये परिवार चाहता है कि सच्चाई सामने आए। जो आरोप अनर्गल आरोप, इनका कहना है कि वो अनर्गल आरोप हैं एफआईआर में, उन आरोपों के खिलाफ अपनी बातें साबित करने के लिए वो वहां जाएंगे भी, सबूत भी पेश करेंगे और उनके पास जो भी दस्तावेजी सबूत हैं या फिर जो भी समानांतर सबूत हैं वो सारी चीजें उनके सीबीआई के सामने लेकर आएंगे ताकि सच्चाई सामने आए और ये पता चले कि आखिर हत्या के पीछे साजिश किसने रची, कैसी रची। यानी हत्या और आत्महत्या का मामला एक बार फिर सीबीआई के रेडार पर आ रहा है। चूंकि इस मामले ने पूरी यात्रा तय की है, इस हत्या और आत्महत्या की जांच का मामला पहले चला गया ड्रग्स पर, ड्रग्स के बाद बॉलीवुड आया और बॉलीवुड का एक बार फिर चीजें सही जगह पर आती हुई दिख रही हैं, जिससे मूल मामला जिसके जांच को लेकर आगे बढ़ सकता है। वापस आते हैं संजय आपके पास, मुंबई चले चलते हैं। हमारे साथ दो सहयोगी संवाददाता इस वक्त मुंबई से लाइव आ रहे हैं, दिव्येश हमारे साथ हैं और विद्या हमारे साथ हैं, जो लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। विद्या, बड़ा सवाल ये कि इस पूरी परिस्थिति में जो रहस्यमय मौत का मामला है, सीबीआई ने अभी तक ये एक बार भी नहीं कहा कि इस मामले की हम हत्या के एंगल से जांच नहीं कर रहे या हमने ये मान लिया है कि यह हत्या नहीं है। जी देखिए रोहित, इस पूरे मामले में अभी भी सीबीआई के हाथ बहुत ज्यादा सबूत नहीं लगे हैं, ये बात तो साफ है। और यही वजह है कि इस वक्त ये कहना कि ये हत्या है या आत्महत्या है, ये सीबीआई के लिए पॉसिबल नहीं है। आप देख लीजिए अभी भी जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, चाहे वो रिया का हो, रिया के पिता का हो, माँ का हो, भाई का हो, ये सब भले ही ड्रग एंगल में तो बहुत काम आ रहे हो, लेकिन इसमें अभी भी ये सामने नहीं आ रहा है कि इसमें कितना समझ में आए कि ये हत्या का मामला। दूसरी बात आप समझ लीजिए रोहित, इस पूरे मामले में जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो बहुत एक अहम प्ले करती है। यहाँ पर फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी भी कंक्लूसिव नहीं मिली है, एम्स की तरफ से जो उनको मिलने वाली थी पूरी जानकारी वो अभी भी ये पूरी तरीके से नहीं बता पाई है कि ये हत्या है या आत्महत्या। इंतजार इसीलिए सीबीआई कर रही है कि कुछ और सबूत जुटे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन विद्या, जो उनके वकील ने सवाल उठाए, खास तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जब ड्रग्स की जांच हो रही है तो वो भी इसी मामले से जुड़ी होने की वजह से इतनी चर्चा में आ रही है, उनका आत्मविश्वास क्यों डगमगा रहा? जी बिल्कुल,
जी देखिए, काफी लंबा समय हो चुका है, 90 डेज से ज्यादा का समय हो गया है। यही चीज अक्सर हर दूसरे दिन पे हम देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार है वो भी हर रोज एक वीडियो या फोटोग्राफ पोस्ट करके यही मांग कर रहा है कि जस्टिस कब मिलेगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि सीबीआई के हाथ में अभी फिलहाल ज्यादा सबूत नहीं है, और यही वजह है कि सीबीआई बार बार कह रही है कि अभी जांच चल रही है, थोड़ा सा समय और लगेगा। लेकिन देखिए, सीबीआई कोशिश जरूर कर रही है अपने तरीके से। उन्होंने तमाम लोगों से पूछताछ की, जो अभी सुशांत की जो परिवार है उनसे भी पूछताछ हुई। इसके साथ ही वो इस बात की कोशिश में लगे हैं कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसके भी कुछ तो पुख्ता मिले उनके हाथ में, जिसके साथ वो कह सकें कि ये क्या मामला है, हत्या है या आत्महत्या। मुनीष पांडे हमारे साथ आ गए, मुनीष पांडे और दिवेश दोनों के पास एक एक करके आ रहे हैं। मुनीष पांडे, जब तक सबूत नहीं है सीबीआई के हाथ में वो कैसे कह देगी हत्या है, और जब तक सबूत नहीं है तो कैसे घोषित कर दे कि आत्महत्या है या नहीं है? जी बिल्कुल रोहित, और इसमें चार बातें हैं, हत्या की आत्महत्या, सीबीआई चार बातों को लेकर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। सबसे पहले घर में जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया था, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपनी जो रिपोर्ट है सीबीआई के बड़े अधिकारियों को दे दी है। दूसरी जो बात थी, इसमें जितने भी लोग घर में मौजूद थे, चार लोग, दीपेश, उसके अलावा केशव और इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी और जो चौथा शख्स मौजूद था, इन चारों के बयान। तीसरा जो है, उसमें जो सस्पेक्ट्स हैं, इसमें रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार वाले जिनके ऊपर आरोप लगे थे, उनकी प्रोफाइलिंग। लेकिन जो चौथा एस्पेक्ट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है एम्स जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच कर रहा है, जो विसरा रिपोर्ट है और उसके अलावा ऑटोप्सी की रिपोर्ट। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक रिपोर्ट एम्स में पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ और सिर्फ एम्स के जो अधिकारी हैं उनको, जो सीबीआई के अधिकारी हैं उनसे मिलना है और इन चारों एस्पेक्ट को लेकर बातचीत होगी। उसके बाद ही सीबीआई का कहना है कि वो इस नतीजे पर पहुंचेंगे, ये आत्महत्या का मामला है या हत्या का मामला है। लेकिन सीबीआई अभी तक ये साफ कर रही है कि अभी तक उन्होंने इस बारे में बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये आत्महत्या का मामला है या हत्या का मामला है, इसको लेकर अभी कोई राय नहीं बनी है। यानी कि दोनों दिशाओं में जांच चल रही है, और जो परिवार है उसने लगातार, पहले तो उन्होंने बोला कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बनता है, लेकिन फिर विकास सिंह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अब उन्हें लग रहा है कि हत्या का मामला है। लेकिन सीबीआई अभी भी जो इस मामले में सबूत इकट्ठा करने हैं, सबूत तो इकट्ठा कर रही है, लेकिन एम्स की उस रिपोर्ट पर सबसे ज्यादा नजर है, जिसमें कि डॉक्टर्स ये बता पाएंगे कि उनकी तरफ से जो विसरा था क्या उसमें जहर की बात सामने आ रही है, क्या गले में जो लिगेचर मार्क था उससे ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या का मामला हो सकता है। तो इन सारे बातों को लेकर सीबीआई का ये कहना है कि अभी फिलहाल के लिए जांच चल रही है और सारी रिपोर्ट के आने के बाद ये तय होगा कि इसे हत्या का मामला करार देना है या आत्महत्या का, और फिर उसी दिशा में आगे जांच तय होगी। वापस आते हैं मुनीष आपके पास। दिव्येश भी हमारे साथ मुंबई से आ गए इस वक्त, वो एनसीबी दफ्तर पर मौजूद है मुंबई में, लगातार इस बात को लेकर आज सुबह से सुबुगाहट है दिव्येश, कि सुशांत सिंह राजपूत की बहनों से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। हालांकि उनके वकील कह रहे हैं कि हमारे पास अभी तक इस बारे में कोई जानकारी आई नहीं है, लेकिन आएगी तो हम जांच में मदद करेंगे। क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं सीबीआई की तरफ से इसमें? रोहित, आपको बता दें कि जो दूसरी एफआईआर रिया चक्रवर्ती ने रजिस्टर कराई है मुंबई पुलिस के बांद्रा स्थित पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराई थी प्रियंका सिंह के खिलाफ, जो कि सुशांत की बहन है, 8 जून को सुशांत की मृत्यु से 6 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस्क्रिप्शन दी थी कुछ डिप्रेशन की दवाइयों की। ये प्रेस्क्रिप्शन उन्होंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन थी, जिसके बारे में सुशांत की कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई थी। इसी पर एलिगेशन लगाते हुए कि किसी तरीके से गलत दवाइयां, साइकोट्रॉपिक जो साइकेट्रिक एलिमेंट के लिए दी जाती हैं, वो उन्हें दी गई उनकी बहन के द्वारा, इसको कहते हुए उन्होंने केस दर्ज करवाया था प्रियंका सिंह पर। अब उसी की पूछताछ के लिए, पहले पूछताछ हो चुकी है परिवारजनों से, सीबीआई ने दिल्ली में भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, सुशांत के पिता का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, पर अब जो ये नई एफआईआर आई है तो उन्होंने इस केस पर भी एफआईआर में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होगी, और खासकर अन्य किसी का ना करें तो प्रियंका सिंह का स्टेटमेंट तो जरूर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक क्लैरिटी के लिए, आगे की जांच के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत बांद्रा में जो केस रजिस्टर हुआ और सुशांत से अगर रिलेटेड है तो वो सारी जांच सीबीआई ही करेगी। तो इस केस की जांच के लिए उनकी बहन को समन किया जा रहा है। सीबीआई के सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत ही पेशेंटली, जैसा कि मुनीष ने बताया, फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट इस केस में बहुत मायने रखती है। कोई भी मृत्यु का केस हो, एक्सीडेंटल डेथ का केस हो या मर्डर का केस हो, सीबीआई को वो जांच हमेशा थोड़े दिनों बाद मिलती है, जब
लोकल पुलिस जांच कर लेती है या कोई एजेंसी जांच कर लेती है, उसके बाद जब केस सीबीआई को ट्रांसफर हो जाता है तो उसमें बहुत समय हो जाता है, वहां पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कुछ बचता नहीं है, सीन ऑफ क्राइम पर कोई एविडेंस बचता नहीं है। इस दौरान सिर्फ दो चीजें हैं जिस पर सीबीआई रिलाई करती है, एक है फोरेंसिक एनालिसिस और दूसरा है स्टेटमेंट्स। यहाँ पर फोरेंसिक एनालिसिस प्राइमरी एविडेंस के तौर पर यह साबित करेगा कि जो मृत्यु हुई वो होमिसाइड था या सुसाइड था, इससे ये बात साफ हो जाएगी। इस बात पर बहुत ज्यादा शंका परिवार ने भी जाहिर की है और अन्य लोगों ने भी जाहिर की है कि ये मृत्यु हुई कैसे, सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते ये भी कहा जा रहा था, पर मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि एक आत्महत्या का केस है। ऊपर हॉस्पिटल के जो पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टर थे उन्होंने भी यही कहा कि आते हैं दिवेश आपके पास, वापस आते हैं आपके पास। सीरा एनालिसिस यहाँ पर बहुत जरूरी है, फोरेंसिक रिपोर्ट बहुत जरूरी है। एम्स की टीम क्या रिपोर्ट देती है, इससे जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन विद्या, जो वकील विकास सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, उनकी परेशानी इस बात को लेकर थी कि अभी तक एम्स ने सीबीआई को रिपोर्ट नहीं दी, या इस बात को लेकर थी कि सीबीआई ने कोई सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी तक बताया नहीं कि 38-40 दिन हो रहे हैं हम कहां तक पहुंचे, या इस बात को लेकर थी कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब कहीं कोई मीडिया कवरेज नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं है, सारा डिस्कशन ड्रग पर शिफ्ट हो गया, ये जानते हुए भी कि ड्रग उसी से शुरू हुई जांच है। लेकिन देखिए, आप परिवार के लिए सबसे अहम बात तो यह है कि वो जाने कि इस पूरे मामले में हो क्या रहा है। सीबीआई की तरफ से 90 दिन गुजर जाने के बावजूद इन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि खलबलाहट जरूर है परिवार में। आखिर सीबीआई कर क्या रही है, वो ये जानना जरूर चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 90 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, हालांकि मामला सीबीआई के पास हाल फिलहाल में ही गया था, लेकिन फिर भी अगर आप देख लीजिए इस पूरे मामले में, क्योंकि पूरी जानकारी परिवार को नहीं मिल रही है इसलिए परेशानी जरूर होती है, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, यही इन्वेस्टिगेशन नहीं, जो भी पीड़ित है वो जानना जरूर चाहता है कि मामले में हो क्या रहा है, और अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये नहीं बताती हैं तो जाहिर सी बात है कि परिवार परेशान जरूर होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल विकास सिंह इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील, वो हमारे साथ होंगे, अंजना उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय, बताइए क्या बता रहे हैं आप? मैं ये बता रहा हूं कि विकास सिंह ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशांत के परिवार वालों की पीड़ा बताई थी, ये कहते हुए कि अभी तक सीबीआई ने एम्स के डॉक्टरों से, सीबीआई की टीम यहां बैठी है, लेकिन एम्स के डॉक्टरों से अभी तक इस बारे में पूछताछ क्यों नहीं की गई। ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने एक डॉक्टर को कोट करते हुए बताया था कि उन डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि साफ साफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि हत्या का मामला है, ये गला घोंट कर मारने का मामला है, क्योंकि स्ट्रेंगुलेशन मार्क्स मिले हैं। जब उनसे कहा गया कि वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे, तो उनका यह कहना कि ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने मेरे से ये बताया था और मैं उन डॉक्टर्स के बयान पर 200% ये सहमत हूं और मुझे ये पूरा यकीन है कि उसमें भी यही आएगा, चूंकि मैं रिपोर्ट देख चुका हूं। उस रिपोर्ट को अब तक सीबीआई ने अपने पास क्यों नहीं लिया है, उस पर जांच क्यों नहीं की है, इन तमाम चीजों पर उन्होंने बात की है। साथ ही जैसा कि विद्या ने बताया और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और उनमें जो बयान होंगे गवाहों के या फिर इससे संबंधित लोगों के, वो काफी महत्वपूर्ण होंगे।